हेलो। हाँ गुरु जी, हाँ बताओ। तो मामला ये हुआ, उस समय पूजा पे जब हम बैठ रहे थे तो पत्नी के रूम में दिखाई दे रही थी हमें। हाँ अच्छा, उसके बाद में गुरु जी फिर हमने 1 महीने तक पूजा करी थी। उसके बाद में फिर 4-5 महीने पूजा, 6 महीने नहीं करी, फिर कुछ नहीं किया हमने। अभी दीपावली के पहले से कोई शक्ति घर में आ गई है, कोई शक्ति आई है घर में, कोई देवी घर में आई है। अब हमारे तो दिखाई नहीं दे रहे। एक दिन मेरे सगरे कपड़े धुल के छत के ऊपर डाल दिए, चाय भी बना दी और हमने मिठाई बना के रखी, मिठाई भी खा गई। और मेरे पत्नी से बात भी करती हैं, पत्नी के पास बैठती भी है, उनको कभी कभी गुस्सा हो जाती तो मारती भी हैं। अच्छा हाँ, पत्नी के पास में बैठती हैं, हरी साड़ी पहन के, हरा ब्लाउज, और ये पता नहीं कौन देवी जी आई हैं। हमने बहुत उनसे खुशामद करी कि देवी जी आप हमको दर्शन दो, हमसे नहीं बात करती, मेरी पत्नी से बात करती बैठ के स्वयं। और ये कब हैं, कल से तुम्हारे यहाँ है? अरे कब से हैं? हो गया होगा उनका लमसम, आज 20-25 दिन हो गया है लमसम, अरे 1 महीना मान लो। हाँ, 1 महीना। तो आप तो बता रहे काम भी करती है तुम्हारे घर वो। 1 दिन मेरे कपड़े धुल दे, मेरे बीवी के कपड़े सब धुल के छत के ऊपर डाल दिए, वो देखती रही बैठी। और 1 दिन चाय भी बना के रख दी और हम भी पीती, सबने चाय पी, लेकिन हमारी बीवी से बात करती, उनको मारती बहुत है लेकिन हमसे दिखाई नहीं देती है। अच्छा, तुम्हारी बीवी को मारती है वो? हाँ, 2-4 बार मार चुकी हैं, क्यों? पता नहीं, उनसे बोलती नहीं, अपनी बात कह देती हैं और दूसरे की बात सुनती नहीं है। नहीं तो वो क्या कहती है उनसे? उनसे कभी कह देती हैं, गुरु जी बाहर गए हैं, अभी रास्ते में हैं, वहाँ ये चीज बैठे खा रहे हैं, हम घर को आते हैं तो पत्नी हमारी पूछती है, ये चीज तुम खा रहे थे? हम बताते हैं हम खा रहे थे। हाँ, हाँ उनको पहले बता देती, हम कहीं कोई काम करें उनको पहले बता देती करके घर में। अच्छा, मतलब तुम्हारी जासूस है कि घर में जासूस पैदा हो गई तुम्हारी यहाँ? हाँ, कोई काम कहें कुछ करें, भली बात कोई गलत काम करते नहीं है तो बता अच्छा, पहले देती है। हाँ तुम्हारी पत्नी से क्या? हाँ उनके सामने खड़े होके बात करती उनसे हैं। एक दिन बाजार गई, बोली हमको गाजर लेके आना, गाजर लेके आई, अलमारी में रख दी, उन्होंने गाजर रात को खा ली। वो गाजर खा गई तुम्हारी? हाँ, हमारी पत्नी के हाथ से गाजर भी खा ली, मिठाई भी बनाई, मिठाई उनके हाथ से थी, मिठाई लेनी। और रोटियां? रोटी वोटी तो नहीं, अभी कोई खाती पीती फिलहाल रख दी जाती है, वो कह देती है इच्छा हो खा लो, तो मर्जी हो तो खा सकती है, मर्जी हो तो ना खाती है। हाँ, जबरदस्ती होगी तुम्हारी तरफ से भी, खाओ खाओ मत अरे गुरु जी बहुत परेशान हैं, उनको मारती हैं, 3-4 बार मार चुकी हैं। है। नहीं, क्या मार देता है? झापड़ झापड़ बापड़ मार देती है? क्या मार देती है? झापड़ मारती हैं, चुटैया पकड़े गिरा देती हैं, मार झापड़ में कूद देती हैं, हमको दिखाई नहीं देती ना हमसे बात करती हैं। अच्छा, उन्हें मारती होंगी, वो गलती करती होंगी जब मारती होंगी तुमसे, कुछ कहती होंगी जब? गलती तो नहीं गिर करती है तो वो यही कहती है हमको, डरवाओ मत, आप घर में रहना चाहती हो रहो, हम मना नहीं करते हैं, हमें डरवाओ मत, डरवाओ मतलब? डरवा देती उसको है, अच्छा, डरा जाती है। वो कहती है गुरु जी के पास जाओ। तो पूछा नहीं है कौन है वो? हाँ, नहीं, आपने पूछा नहीं है, तुम्हारी घरवाली पत्नी है, उन्होंने नहीं पूछा कौन है? नहीं तो बोलती नहीं है बोलती नहीं है? ना, अपनी बात कह देती है, दूसरे की बात नहीं सुनती है। नहीं? ऐसा है ना, बचन नहीं हुए ना, इसलिए ये तो सब बचन में बंद होती है, बचन में तो बंदी नहीं है वो, इसलिए कर रही है। हाँ, बचन में है नहीं, ये पता नहीं कौन सकती है, बता भी नहीं रही अभी हमको। तो आपने हमें नाभि दर्शनार्थना की थी ना? हम नाभि दर्शना करी थी, नवरात्रि चैत में करी थी, 6 महीना छोड़े हो गया, अब घर में आई है, पता नहीं वही है कि दूसरी है, कौन है? अब आपने दीक्षा तो ली नहीं थी, वह वीडियो देखे कर ली? तो की थी, लेकिन उसके बाद हमने आपको बताया था गुरु जी, गलती हमारी, हमने दीक्षा नहीं ली, हमने आपको बताया था पहले। तो दुष्परिणाम तो होंगे ही होंगे। अब भाई दीक्षा लेके करो तो गुरु बंध में रहती हैं, अब तो गरीब गुरु बंध में है नहीं वो। आपने मेरा वीडियो देखा, वीडियो देख के साधना कर ली, वो सिद्ध हो गई, मनमानी तो करेगी वो।
यही तो बात गुरु जी है, हमसे बात नहीं करती, हमें दिखाई नहीं देती, उनके बराबर में बैठ के बात करती है। और पैसा वैसा भी लाके देती है, कुछ नहीं दे रही है? नहीं, कोई चीज नहीं। यही तो विचार में है, कौन चीज हमारे घर में आई है। जैसे हमसे शमशान की पूजा अपने आज भी करते हैं, तो हमने पता किया कि शमशान की कोई भूतनी तो नहीं थी, दो गई है। हाँ, ये भी चक्कर में है, लेकिन हमारे समय आसपास आती नहीं, ना हमसे बात करती, ना हमें दिखाई देती, कुछ नहीं करती है। अब इसके लिए तो या तो तुम्हारी बीवी मेरे पास आए, या मुझे हरदोई आना पड़े। अच्छा, तुम्हारी तुम्हारी बीवी तुम्हारा आप तो ऐसा करना, तो हमको अपनी बीवी से बात कराना मेरी, ठीक है? और मेरे बारे में बात करना उनसे। हाँ, मैं कहूँगा मेरे बारे में बात करें। चलो ठीक है, हम शाम को बीवी से। हाँ, फिर मैं तुम्हें अब वही तो है, अब तुमने दिशा ली नहीं तो तुम्हें बताऊँ कहने अनुमान बंद मंत्र होता है इनका, बंद मंत्र बताने के बंद हो जाती है। अरे आ गए देवी जी, हमें बड़े पसंद है, खुशी है, लेकिन अपना परिचय तो पूरा बता दें। चलो शाम को 6-7 बजे कॉल करना, जब मैं बात करूंगा 7 बजे करीब आपसे, ठीक है? ठीक है, करेंगे जरूर। हाँ ठीक है, चिंता मत।